हेलो वेरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं और स्प्रेड आउट भी कर दी है। डिफरेंट स्प्रेड है, ये लव रिलेशनशिप का स्प्रेड है। आपकी दिसंबर की 15 to 31 डेज़ की ये रीडिंग होगी फॉर योर लव लाइफ। सो वेरीज, मैं आपको स्प्रेड के बारे में बता देती हूँ कि ये यहाँ पर आपके कार्ड्स हैं और आपकी एनर्जीज हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड और आप उनकी एनर्जीज होंगी, और बीच में ओवरऑल थीम जो आपकी लव लाइफ की चल रही है वो है। और इसके अलावा अगर ये एक जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज जो है वो रिवर्स भी हो जाती हैं, कि ये आपको अपनी एनर्जी लगेंगी या आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज लगेंगी, ऐसा भी होता है। सो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको अपने अपने लिए लें, और जो नहीं करता आप उसको छोड़ दें। सो लेट स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट अंडरनीथ डेक आपकी जो रीडिंग है एक्वेरियस, वो अंडरनीथ जो डेक जो कार्ड है आपका वो है टू अ सोर्स। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा आपको एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, वो डिसीजन आपको लेना है और आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी रीडिंग में कब से आ रहा है, लाइक अक्टूबर से आपकी रीडिंग में ये चीज़ आ रही है कि आप जो हैं एक आपको डिसीजन बनाना है। एक डिसीजन जो है वो लिया गया है या बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज में टू ऑफ वॉन्ड भी है। तो टू ऑफ वॉन्ड जो है वो आपको डेफिनेटली आपने एक डिसीजन बना लिया है, और इन दो चीज़ों के दरमियान आपको एक फैसला करना है और जस्टिस भी करनी है। और ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आपको आप अपने लिए जस्टिस कर सकें। आपने एक ऐसा डिसीजन मेड किया है यहाँ पर जो आप अपने लिए उसमें जस्टिस कर सकते हैं। आपको आप उस हवाले से ये सोच रहे हैं कि आपको किस पार्टनर से डील करना है, आपको आपको अपनी लाइफ में किस पार्टनर को एंटर करना है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा पार्टनर आपकी लाइफ में बेहतर है। तो आपको एक अपने आप से जस्टिफिकेशन करनी, अपने आप को अपने लिए एक जस्टिस चाहिए, और वो डिसीजन आप बना चुके हैं यहाँ पे। और आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हैं और अपने सोल में कनेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर आपने अभी वो डिसीजन ले तो लिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट उसमें आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अभी आप बिल्कुल कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जस्ट थिंकिंग ऑफ योर सोलमेट। आप सिर्फ अपने सोलमेट के हवाले से जो है वो थिंक कर रहे हैं, और या फिर आपने आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत डिलेज हैं। अभी कुछ टाइम है अभी उस सोलमेट से आपको मिलने में। सो आपकी जो ओवरऑल थीम है वो पेज ऑफ पेंटिकल है, से एक लव कमिटमेंट है या ऑफर है कोई, जो कि अभी इनिशियल स्टेज पर ही है। यहाँ पर आप लोगों के जो बॉन्ड है अभी नया नया डेवलप हुआ है और वो अभी इनिशियल स्टेज पर है, वो इतना मेच्योर नहीं है। और आप जो हैं, क्योंकि इसमें डिलेज हैं, आप हो सकता है सोलमेट कनेक्शन बनने में, इस कमिटमेंट में आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करना चाहते हैं और वो आपने किया भी है। तो आपने आपका जो हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है ये अभी इमेच्योर है, कुछ अर्से पहले ही, कुछ महीनों पहले ही ये डेवलप हुआ है, और इसमें आप अभी सोलमेट कनेक्शन बनने में इसे थोड़ा टाइम है। आपके लिए आप थोड़ा टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और एकदम से आप इसमें एंटर होने के बाद एकदम से आपको ऐसा फील नहीं होता कि एक सोलमेट कनेक्शन है या एक न्यू कमिटमेंट है आपके पास, लेकिन आपके पास टू चॉइसेस भी हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जेनरस नज़र आ रहे हैं मुझे टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जेनरस नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन हो सकता है वो स्ट्रेटजी प्लान्स कर रहे हों इस रिलेशनशिप को बैलेंस आउट रखने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ बिहाइंड द सीन ऐसी चीज़ें कर रहे हों जो कि आप और आपके बॉन्ड को और उनके बॉन्ड को एक दूसरे के साथ जो है वो एक कमिटेड कमिटमेंट में रह सकें, अपने आप को आपके साथ कमिटेड रख सकें, वो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हों। और इसके लिए वो हो सकता है कुछ स्नीकी चीज़ें भी कर रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो जो आपके लिए काबिल कबूल ना हो, जैसे धोखेबाजी से या झूठ बोल के कुछ ऐसी चीज़ें करते हों जो जिसमें आप और वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक भी हैं,
वो एक नेगेटिव थॉट में स्टक हैं, पता नहीं, हो सकता है वो आपके हवाले से उनकी ये एनर्जी हो कि वो आपके हवाले से सोच रहे हो कि आप पता नहीं उनको ये कमिटमेंट देंगे नहीं, जो इनिशियली अभी डेवलप हुआ है आपका उनका रिलेशनशिप। यहाँ पर हो सकता है इनिशियली डेवलप हुआ हुआ जो रिलेशनशिप है जिसमें आप मुझे इतने इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को डिले कर रहे हो और आपके पर्सन ये एनर्जी आपके पर्सन की आपके हवाले से सोच रहे हो कि वो आप जो हैं उनको धोखा दे देंगे या वो आप उनको उस तरह से कमिटमेंट नहीं देंगे, कमिटमेंट करके छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह के उनके जहन में नेगेटिव थॉट्स हैं। तो आपके पर्सन की जो है वो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके हवाले से, वो इन नेगेटिव सोचों में हैं। उनकी तरफ से ये सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसको बिल्कुल ही एक परफेक्ट सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि फुलफिल होगा। लेकिन आपकी तरफ से अभी ये माइनर अरकाना में आपका कमिटमेंट है और उनका मेजर अरकाना में है। आप यहाँ पर टोटली मुझे इस रिलेशनशिप जो कि इनिशियल स्टेज पर है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने अभी न्यूली कमिटमेंट की है, लेकिन आप अपने पास्ट पर्सन के हवाले से अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू चॉइसेस हैं आपके पास। तो आप अपने पास्ट पर्सन के हवाले से अभी भी सोच रहे हैं, टू चॉइसेस हैं, एक नया पर्सन है और एक पास्ट पर्सन है जिसके हवाले से आप अभी भी सोच रहे हैं, और उस वजह से आप इस न्यू कमिटमेंट में थोड़े डिले भी कर रहे हो सकता है, और इस सोलमेट कनेक्शन में आप पूरी तरह अभी एंटर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पास्ट पर्सन। उस पास्ट पर्सन की वजह से आपको इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है और आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे इनडिसाइसिव का कार्ड इसलिए है। आपके पार्टनर को लगता है जो डिलेज हैं उसमें उनके दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं कि हो सकता है आप उनको कमिटमेंट ना दें, उनको बीच में छोड़ के चले हैं, लेकिन वो अभी भी इस उम्मीद पे हैं कि ये कमिटमेंट जो है वो फुलफ़िल होगा। आपका आउटकम कार्ड ले लेते हैं एक्वेरियस। What is the outcome for Aquarius from 15 to 31 December? मून कार्ड कन्फ्यूजन है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि आप अभी जो नया कमिटमेंट हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर, आपको इस रिलेशनशिप में न्यूली जो रिलेशनशिप है आपका, आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रेशराइज़ किया गया हो और आप किसी और को चाहते हैं, इस तरह की भी कुछ सिचुएशन हो, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को डील करेंगे, क्या होगा, क्या आपको अपने पास वापस जाना चाहिए या नहीं। एक और कार्ड लेते हैं आपकी इसके लिए। कन्फ्यूजन है लेकिन न्यू पैशन भी आपका आप इग्निट कर रहे हैं अपने पास पर्सन के लिए, हो सकता है ये पास पर्सन के लिए एक नई एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, कि हो सकता है आप नए एनर्जाइज वे में इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ें आफ्टर दिस कन्फ्यूजन। जो चीज़ें हिडन हैं उनको छोड़ के आप, हो सकता है अपने जो कन्फ्यूजन है उसको छोड़ के, हो सकता है आप एक नया पैशन एग्जिट करें अब विद योर पास पर्सन मे बी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक फादरली फिगर नज़र आ रही है, जो कि इस तरह से कि फादर हैं और वो एक डंडे के साथ जो है आपके ऊपर प्रेशराइज करके आपको इस रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए जो है मजबूर करें। लेकिन इस तरह ये भी सिचुएशन की कोई बॉसी पर्सन आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है उसकी वजह से आप एक नए रिलेशनशिप में अपना पैशन इग्निट करने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हैं इस पैशन के हवाले से। क्योंकि ये प्लेयर है, आप प्लेयर की एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में उस तरह से कमिटेड नहीं हैं जैसे कि आप अपने पास पर्सन के साथ थे। तो आप, हो सकता है कि कोई फादर फिगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो आपके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, जो कि आप नया कमिटेड रिलेशनशिप है, ये आपके पार्टनर के फादर फिगर भी हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन या ये पर्सन
भी हो सकता है, या खुद ये पर्सन भी हो सकते हैं, आप किसी एरीज से भी डील कर सकते हैं, या फिर किसी ये आपके फादर भी हो सकते हैं जो कि जिनकी वजह से आपको इस रिलेशनशिप को इग्नेट करना ही होगा, इस रिलेशनशिप को जो न्यूली कमिटेड है जिसमें आप। सो एक्वेरियस की आपकी रीडिंग थी फॉर द फॉर दिसंबर 15 to 31st। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।